हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सोचती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए आटे में भेज मोमो कैसे बनाएंगे, आए देखते हैं। अभी अभी देखिए, मैं थोड़ा सा आटा ली हूँ। आटे में मैं थोड़ा सा नमक और तेल डाल के, थोड़ा सा तेल डालेंगे क्योंकि ये जो डोफ है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। मोमो मतलब जब खाएंगे तो सॉफ्ट होगा। अभी तेल डाल के मैं इसको कुछ अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद, अभी देखिए मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी है इसमें, तो उसको आटे में डाल के उसको गूंद रही हूँ। देखिए थोड़ा सा ये वार्म वाटर है, ल्यूक वार्म वाटर, तो उसको डाल के मैं उसको अच्छी तरह से गूंद रही हूँ ताकि मोमो जो है वो बहुत सॉफ्ट बने। और ये देखिए हमारा डोब जो है वो पसंद हो, मतलब वो रेडी हो गया है। अभी ये डो बनने के बाद हम इसको देखिए अब अच्छी तरह से, अभी मैं गूंद रही हूँ, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट बनेगा इसीलिए। तो अभी मैं ये जो डो है इसको बनाने के बाद मैं उसको 15 से 20 मिनट तक उसको ढक के रख दूंगी ऐसे ही। अभी उसी टाइम के बीच, अभी देखिए 15-20 मिनट के लिए मैंने उसको छोड़ दिया, और उसी टाइम के बीच आइए उसका स्टफ जो है बनाते हैं। और स्टफ बनाने के लिए मैं इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया, तेल के बाद थोड़ा सा चॉपिंग वाला लहसुन, और उसके बाद प्याज डाला है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा बस, और उसके बाद ग्रीन चिली डाली हूँ, और थोड़ा सा मतलब टमाटर का टेस्ट मुझे बहुत पसंद लगता है इसीलिए मैं उसको टमाटर भी थोड़ा डाली हूँ। और उसके बाद अभी मैं मतलब अच्छी तरह से उसको मिक्स कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल दिया है। और मतलब नमक डाल के अभी उसको थोड़ा सा अच्छे से फेंट रही हूँ। देखिए अभी फेंटने के बाद मैं इसमें मशरूम रखी थी नीचे, अभी उसको मैं डालने जा रही हूँ। देखिए अभी मशरूम है, ये थोड़ा सा फ्राई करके मैं रखी थी उसको, अभी डाल दिया उसमें। और ये डालने के बाद मैं उसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी मसाले के साथ। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा अच्छी तरह से। मसाले के साथ मैंने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद अभी देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, मैं अभी नीचे मतलब चॉप किया हुआ थोड़ा सा मैं रखी हूँ बीन्स, बीट, गाजर, अभी दिखाऊंगी। अब ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से। देखिए मैं अभी नीचे चॉपिंग किया हुआ, देखिए अभी गाजर, बीट और ये बीन्स बनाई हूँ, अब मैं मतलब रखी हूँ, इसको अभी डाल देंगे। देखिए मैं डाल रही हूँ अभी अब वो मसाले में, ये चॉपिंग वाला सब कुछ जो भी है उसको डाल रही हूँ। और ये सब हमारा मतलब शरीर के लिए भी बहुत मतलब आवश्यक है, और विटामिन इसमें सारे पूरा भरपूर विटामिन है। तो इसको हम अभी डालने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद, तो अभी देखिए मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छी तरह से। अभी हम इसको मिक्स करने के बाद देखिए ये बन गया है हमारा स्टॉफ, पूरा रेडी है। अभी मोमो में जाने के लिए अभी पूरा ये मतलब बहुत उतावले हो रहे हैं अभी इनको मोमो के अंदर उसको छोड़ देते हैं। फिर अभी हमारा स्टॉफ जो है वो रेडी हो गया है। देखिए ये स्टॉफ बन गया है। चलिए हम अभी मोमो में इसको डाल के मोमो बना देते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं अभी मोमो बनाने जा रही हूँ। अभी देखिए रेडी हो गया अच्छी तरह से, कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। चलिए अभी हम मोमो बनाते हैं, ठीक है। चलिए अभी मोमो बनाने के लिए देखिए मैंने ये अच्छे अच्छे मतलब साइज का पूरी बना ली हूँ बेल के। अभी उसके अंदर मैं स्टॉफ लगा दी हूँ। देखिए अभी स्टॉफ लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से मोमो के स्टाइल पे उसको फोल्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब ये फोल्डिंग हो गया है। अभी कितने नीचे भी मैं कुछ रखी हूँ। अभी वैसे मैं आज मोमो बना रही थी, पहले तो इतना अच्छे से नॉलेज नहीं था, पर मतलब बना रही थी, बनाने के बाद मुझे पता नहीं इसे जी किया तो अच्छी तरह से, मतलब पता नहीं इतना अच्छा बन गया था आज मोमो, बहुत ही टेस्टी लग रहा था, और मुझे तो मतलब इट वॉज सो यमी, रियली बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी देखिए अभी मोमो को मैं डिफरेंट तरह के फोल्ड बना के मैं नीचे रख रही हूँ। अभी ये भी मोमो बन गया है। और आज मोमो बनाने के बाद
मेरे मतलब भैया का और मेरे बेटी का कंपटीशन भी हुआ था, चैलेंज हुआ था मोमो खाने का चैलेंज। आप उसका वीडियो जो है मेरे मतलब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आपका वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जो भी अच्छा लगता है आपको लाइक करिएगा, और उसके बाद नीचे आपका कमेंट्स दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हम मतलब कौन सा अच्छा डेवलपमेंट करने के बाद कुछ मतलब करने के बाद हमारा वीडियो जो और भी अच्छे से निखर के आए, जो आपको पसंद आए। अभी देखिए, अब ये मोमो आप छाँच में भी बना सकती हैं। मेरी मम्मी देखिए अभी उसको छाँच में बना रही है, हाथ देखिए अभी इसको अच्छे से बना रही है मम्मी। मैं तो हाथ में बनाई थी, मम्मी बोली कि छाँच में लगा देते हैं, अभी इतना टाइम मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी उसको छाँच में लगा देती हूँ, देखो कितना जल्दी जल्दी मैं बना देती हूँ। मैं बोली कि ठीक है करके दिखा दो जब भी। अभी वो तो बन गया है मोमो। अभी अभी ये जो मतलब मोमो के छाँच है उसमें मैंने पानी थोड़ा सा रख के उसको गर्म किया था। अभी देखो इसको अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा स्टीम होने के लिए। अभी ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट हो गया मतलब बहुत हो गया, फिर 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे अच्छे से इसको ढक के। अभी ढकने के बाद 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद आपका मोमो रेडी हो जाएगा, और उसको निकाल के आप खा सकते हैं। देखिए मेरा मोमो जो है अभी स्टीम हो रहा है, ठीक है। अभी स्टीम होने के बाद 10-15 मिनट के बाद मेरा मोमो जो है अभी रेडी हो गया। देखिए मेरा मोमो कितना अच्छा बन गया है। ये आटे का है, आप इसको मतलब बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। एक्चुअली मैदा का जो मोमो होता है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, एक्चुअली दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो ऑलवेज प्रीफर आटा बिकॉज इट्स एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।